बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है भाई। इस समय बिटवीन ये प्लेस मिल गया हम लोगों को चिल मारने के लिए। यार बारिश क्यों हो रही है मार्च में, ये देखो ना। हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस। आज तक के सभी वीडियोस को अप्रिशिएट और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। एंड यार टुडे वी आर गोइंग टू गोवा, वी आर थ्री राइडर्स एंड वी हैव अवर टू रॉयल एनफील्ड स्टील बैग। इस राइड के दौरान हम लोग कुछ अनसीन और पीसफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस पूरी राइड के 3 से 4 वीडियोस बनेंगे। ये मेरा फर्स्ट राइडिंग व्लॉग है, तो इसमें अगर कंटेंट और एडिटिंग में कुछ ऊपर नीचे होता है तो माफ़ कर देना यार। लेकिन मेरी हर एक राइड में आपको फूड, स्टे और फ्यूल का एक्सपीरियंस और एक्सपेंस ब्रीफ में मैं आपको बता दूंगा। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट एम आई गोइंग टू कैरी विथ मी। माय राइडिंग शूज, योर राइडिंग जैकेट, माय नी प्रोटेक्टर्स, माय स्टील बर्ड एयर हेलमेट, माय बालाक्लावास ड्राई फिट है ये, रॉयल एनफील्ड ग्लव्स, स्पाइक गार्ड, गोप्रो हीरो 4 पावर बैंक ऑफ 10,000 mAh, GoPro का एसेसरी, ड्राई फिट ट्रैक पैंट्स, अंडर गारमेंट्स, सैंडो, ड्राई फिट टी शर्ट्स, 4 पेयर ऑफ सॉक्स एज आई एम गोइंग फॉर 4 डेज, 2 नंबर्स ऑफ जीन्स शर्ट, सैडल बैग्स 10। Currently I am in a Surat, the time is 3:45 PM and the odometer reading is 4,161 kilometers. Goa around 850 to 900 kilometers होगा यहाँ से। हमें एक another rider join करने वाला है दमन से, and I have a pillion beside me, Prithesh Parmar, a friend of mine from childhood. सूरत से हम जाएंगे NH8 पे सीधा वापी, वापी होके मुंबई, मुंबई देन ओल्ड गोवा हाईवे एंड देन पंजिम। द फाइनल डेस्टिनेशन इज पंजिम। आई नो निकलने के लिए थोड़ा ऑड टाइम है, लेकिन हम लोग पूरी नाइट राइड करने वाले हैं। इसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, पूरी नाइट बाइक राइड करना है। तो फिर हम लोगों ने 12-1 बजे तक नींद ले ली थी अभी दोपहर में। अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सो वी आर एट वापी, वापी मैगडी। अभी एक राइडर का वेट कर रहे हैं, टिल देन बिग स्पाइसी। बिल तो देख लो, तो मैक चिकन स्पाइसी और एक कोक फ्लो। भाई भाई जेला है क्या? बस 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 मत डालो, बस चलने दो। महाराष्ट्र चेक पोस्ट पुढे आहे। महाराष्ट्र आला रे, महाराष्ट्र आला भाऊ। वी बीन एंटरिंग टू स्टेट महाराष्ट्र। So we are having Limbu Pani break at Food Hub. It's around 300 kilometers after we left from home, and it's really nice place to chill. Abhi hydrated hone ke liye Limbu Pani pi rahe hum log. Food Hub bahut acha lagta hai jab bike pe aise row mein khada rehna nahi padta। जब भी मैं गाड़ी लेके जाता हूँ
मुंबई ऐसे ही लाइन में लगा होता हूँ वसई विरार ब्रिज बिफोर फाउंटेन आई एक्सपेक्टेड अ लॉट ट्रैफिक बिफोर दैट लेकिन क्लियर है अभी अच्छा है बट लेफ्ट ले लिया है थाने जाने के लिए थाने से आगे यार बारिश ही हो रही है मार्च में ये देखो ना बारिश हो रही है ज़्यादा बारिश हो रही तो GoPro निकलना पड़ेगा इंद्रदेव डिनर में खाया चिकन और रोटी यहाँ पे कोई बार रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया और बाइक्स आर पार्क ओवर हियर आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट सो हियर वी आर एट पुणे कोथरूड पुणे पीपल हार्ड रॉक कैफे इज द बेस्ट थिंग यू हैव पुणे रॉक सो गाइस आफ्टर पुणे टनल के आगे खड़े हम लोग दोनों बाइक्स हमारी यहाँ पे थोड़ा धूल 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 हो गया है जस्ट बिकॉज रेन लग रहा था ना तो धूल धूल हो गया है थोड़ा लेट्स सी आगे कैसा रहता है न्यू कतराज टनल So 39 kilometers before Satara, we are fueling up in our Royal Enfield. देखते हैं कितना जाता है अभी. डाल दो ना. कितना? Full कर दें. आने का जब भी कोई है. लाख की बोल गया. आई आई. बस. भैया बस यार यहाँ पे नहीं वो हॉल भरना नहीं चाहिए तो गाड़ी चालू नहीं होगी प्रॉब्लम होता है हॉल भरता है बाद में ये नया मॉडल है अरे ये नया मॉडल है भैया ये इसमें क्या होता है कि कंपनी वाले बोलते हैं कि ये हॉल नहीं पूरा होने चाहिए लेकिन ये भाई बोल रहा है पेट्रोल पंप वाला कि दो इसके ऊपर भी 200 का पेट्रोल जाएगा अगर आप सतारा की ओर आते हो तो भी वो 40 किलोमीटर आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप पे 200 का पेट्रोल एक्स्ट्रा डाल के देंगे इसमें भी ये नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इन लोगों ने गोवा यहाँ से 374 किलोमीटर है रोड अच्छे है यार ये वाला रूट अच्छा है ओल्ड गोवा हाईवे से सतारा वाला रूट अच्छा है काफ़ी अच्छा है 50-70 किलोमीटर शायद ज़्यादा होगा ओल्ड गोवा हाईवे से लेकिन वर्थ इट यार अच्छा रास्ता है लोकल और हाईवे दोनों का ट्रैफिक थोड़ा रहेगा तो नाइट ड्राइविंग के लिए भी सेफ लग रहा है ये रास्ता Sun is rising, man. That's so beautiful. The view is awesome, guys. Tarmac, greenery, and the sunrise. That's awesome, man. मेरे हेलमेट पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है भाई और ये बड़े वाली लाश ये रही वन 120 किलोमीटर तक हमने ड्राइव किया है टोटली हाई स्पीड्स पे हम लोग अभी रुकेंगे निपानी से आंबोली घाट एंड देन गोवा गाइस इट्स 7 AM एंड अभी ट्रैफिक बहुत कम लग रहा है इस रोड पे
तो हम लोग 100, 120 करके थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेंगे निपानी तक। तो संकेश्वर से राइट मार के अम्बोली घाट। दिस प्लेस इज समवेयर अराउंड अम्बोली घाट। टी ब्रेक यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे होटल न्यू शाम। अच्छा प्लेस है, पूरी भाजी और पोहा खाया, अच्छा लगा। थम्स अप फॉर देम। टैक्सी प्लेस भाई, सो गाइस इन समवेयर बिटवीन ये प्लेस मिल गया हम लोगों को चिल मारने के लिए। और नजारा देखो यार, क्या क्लासी नजारा है ना। सब लगे हुए हैं अपनी धुन में, मज़े में। आप लोग एक दो टाइम लैप्स का मज़ा ले लो। सी यू। ये अम्बोली घाट का व्यू देख लो। नजर हटी दुर्घटना घटी। And I love you guys for watching till now.